पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर क्षेत्र में किन्नरों के घर में हुई लाखों की चोरी के मामले को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद साहिल और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल सूरज की रोशनी। पेशे रिजवान खान की यह रिपोर्ट। बीते 16 फरवरी को लक्ष्मीनगर के क्षेत्र में चोरी की घटना को पूर्वी दिल्ली की पुलिस ने सुलझाते हुए इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास 1.5 लाख रुपए कैश और चोरी की गई ज्वेलरी बरामद की गई है। डीसीपी दीपक यादव ने बताया कि मोइन अहमद कमलनाथ और तीसरे आरोपी की विवेक नाम से पहचान की गई है। ये तीनों आरोपी पहले भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सोलह फरवरी को लक्ष्मीनगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट आई थी, जिसमें बताया गया कि 2 घंटे के लिए जो कंप्लेनेंट है वो अपने घर से गई थी, इसी बीच में उनके घर में चोरी हो गई। चोरी में तकरीबन 1.5 लाख रुपए कैश, आधा किलो के करीबन चांदी और 15 तोले सोना, ये सब सामान चोरी किया गया था। जैसे ही ये केस रजिस्टर किया गया, तुरंत उसमें स्पेशल टीम फॉर्म की गई और आसपास के एरिया में सर्च और इंक्वायरी स्टार्ट किया गया। सीसीटीवी फुटेज एनालाइज करने पे पता चला कि लक्ष्मीनगर का ही रहने वाला एक आदमी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो जब उनसे पूछताछ की गई कड़ाई से, तो उन्होंने आगे का अपना पूरा सच जो है वो बयान कर दिया। इस मामले में पुलिस ने टोटल 3 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें एक मोइन अहमद है जो लक्ष्मीनगर के रहने वाले हैं, और इसके अलावा 2 लोग साहिबाबाद के हैं, विवेक और कमलनाथ। तो इन सब लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और इस मामले में 100% रिकवरी कर ली गई है। इन लोगों के इंटरोगेशन में पता चला कि पहले भी इस प्रकार की चोरियां ये लोग करते रहे हैं, और पहले की भी जो चोरियां हैं, 6 और केसेस इन लोगों से हम लोगों के वर्कआउट हुए हैं। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे न्यूज चैनल सूरज की रोशनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अपने आसपास की सारी खबरें मिलती रहें।